सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूंगा साहब साहब का कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ दिखा बीच पर रखा और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पर आए और प्रोग्राम का रिपोर्ट अटेंड किया। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने किया इस प्रोग्राम को। जैसे मैंने देखा आपके अंदर जो गट्स है और आप सब बच्चे जिससे भी यहाँ पर सब मोटिवेटेड है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा हमारी वर्ल्ड फेडरेशन स्ट्रीट सेल डिफेंस ये इंटरनेशनल है और इसका सेटअप हुआ है ईरान में। तो वहां के प्रेसिडेंट ने मुझे बोला कि इंडिया में सेलेक्ट कीजिए आप अपने हिसाब से कि कौन बेटर है और उसको उस अपॉइंट कीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल का रिप्रेजेंटेटिव जब मैंने सभी लोगों को ऑब्जर्व किया तो मुझे रवि साहब जो है ये बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैंने पहले भी इनके वीडियोस देखे हैं और प्रोग्राम में मैंने अटेंड किया, फिर प्रोग्राम में भी आया है तो इनका मैंने नाम ऑफर किया हूँ डॉक्टर ग्रैंड मास्टर रजा बुजुर्गी। तो उन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेट साइन करके भेजा है। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड फेडरेशन स्ट्रीट सेल डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑल सेवन स्टेट्स जितनी भी है नॉर्थ ईस्ट में उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो इनको मैं यहां पर सबके सामने देना चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग के साथ। ये आपके गुरु हैं, मास्टर हैं। मुझे मैं नहीं चाहूंगा कि आप स्लो क्लैपिंग करेंगे, समझ में आ गया? बाहर तक आवाज जानी चाहिए आपकी क्लैपिंग के। ओके की तरफ से इसके लिए और जोरदार क्लैपिंग में जाऊंगा आप लोगों से। बच्चों अब आने वाले टाइम में मार्शल आर्ट का इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रेज होने जा रहा है तो ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। इसमें अपने आपको टोटली इन्वॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस को पूरे दिल से करना है, स्काउटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इधर से उधर नहीं करना है कि मतलब हाँ मैं करूंगा। मतलब 10 बच्चे की कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैं नाम नहीं बताना चाहता कि मॉर्निंग ट्रेनिंग में जो हमने सी बीच पे की थी किक्स कर रहे हैं लेकिन एक बीच बीच में कुछ बच्चे नजर बचा कर खड़े हुए हैं। तो जो इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, जो इंटरेस्ट रखेगा वही आगे बढ़ेगा। अभी आपके हाथ में आपकी मर्जी है, आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मार्शल आर्ट में क्या है, मैंने आपको बताया था कि फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है, फिजिकली फिटनेस के साथ मेंटली फिटनेस। क्योंकि जिस टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिकली क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। इस नेगेटिव एटीट्यूड से बचना है आपको। क्या करना है, आप टायर्ड है लेकिन उस टाइम सोचना मैं इस टायर्डनेस में और प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा स्टेमिना, मेरा एंडोरेंस और मेरी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। उस कंडीशन में विदाउट एनी रेस्ट आपको प्रैक्टिस करना, चाहे आप गिर जाए चक्कर खा कर, नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं होने वाला। तो एनर्जी कब मिलेगी आपको, टायर्डनेस में। एक वर्ड मैंने बताया एंडोरेंस, एंडोरेंस का मतलब क्या है, आफ्टर गेटिंग फटीग, अगर आप थकन के बाद भी टायर्डनेस के बाद भी अगर करने के लिए तैयार है तो उसको कहते हैं एंडोरेंस। आपने देखा है जिनके अंदर पेन काउंट में खड़ा होता है, जान नहीं होती उसके अंदर, और जिसके अंदर जान होती है वो टेन काउंट में नॉकआउट नहीं होता है, खड़ा होगा फिर फाइट के लिए तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड द एंडोरेंस। तो एंडोरेंस के लिए क्या करना है, आपको फिजिकली हार्ड प्रैक्टिस करनी है। 1 आवर काफी है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं 10-12 घंटे, 1 आवर, लेकिन दिल से करना है। दिल से करेंगे आप लोग, आवाज नहीं आएगी मुझे, 5 बच्चों की आवाज आई है सिर्फ, यस यू नो, वेरी गुड। अब मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी इस साल यहाँ पर साहब ने ये ग्रैंड ग्रेडिएशन और सेमिनार का ये सेटअप किया है यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ताली बजाएंगे आप सब करने, पहले से
चुनते लोग कहां पर होगा? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में होगा। कैसा लगा आपको? मजा आया? माउंटेन के ऊपर सी तो देख लिया आपने, इस बार कहां जाएंगे? माउंटेन, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। और इसके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है मुंबई में मई 17, 18, 19, थ्री डेज, जून 17, 18, 19। तो आप लोगों में से कौन कौन तैयार है जाने के लिए? जेईटी का है ये पूरा टोटल, इंटरनेशनल है, 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। एक तो बच्चे खड़े करने लगता है, इंटरेस्ट नहीं है, हाथ छोटे है, नीचे है, ऊपर नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है उसका कम है, जिसका फुल इंटरेस्ट है पूरा ऊपर है। इज इट? तो आर यू रेडी? यस सर। नहीं आज तुमसे ज्यादा जोर की मेरी आवाज है। आर यू रेडी? यस सर। यस, देखो पकड़ माइक में तो बता के। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर वी विल मीट अगेन, एंड बिफोर दैट वी विल मीट इन द मुंबई इन द मंथ ऑफ जून। मैं भी अपने कुछ बच्चों को लेकर दिल्ली से पहुंचूंगा वहां पर, तो वहां पर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। अब सब लोग खड़े हो जाए। अटेंशन, एक हमारे देश में एक ट्रेडिशन है, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम होना जरूरी है, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, नेशनल फीलिंग अपने दिल के अंदर पड़ती है। तो अटेंशन में एक साथ कहेंगे, मैं शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रीय गीत हमारे कोरे हमारा एक प्रोग्राम शेष करबो। संतान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा राधिम उत्तर बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल सरदित रंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जनमन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। তাহলে আমি তন্ময় স্যারকে বক্তব্য রাখার জন্য অ্যামেচার চিত্রের পক্ষ থেকে জোরে হাত তালি দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হলো। সম্মানিত আগামী তোমরা এরপরে নেক্সট আমাদের যে গ্রাজুয়েশন করব এপ্রিল মাসে, আমাদের কথা আছে ওইখানে আমাদের করলে, আমাদের এখানে আমার আনন্দার বাবা আছে, আজকে দুপুরে কথা আছে, উনি এখন ওইখানে ডাইরেক্টর হয়ে আছে। ওনার ওয়াইফ আমাকে বলেছে, সাহাজি আপ আপনার ঝাড়গ্রামটা যে জেনেটিকা টিমে লাগিয়ে সাহাজি কাহিনী আপকো হোটেল নেই বুকটা নেবার ফরেস্টের কটেজ আমাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, এবং আনন্দা অটর ভাইও আমাদের গ্রাজুয়েশনে থাকবে। অর্থাৎ নেক্সট বেল্ট গ্রাজুয়েশন মেন্টালি প্রিপেয়ার কিনা 2024 দার্জিলিং হবে সবার পরীক্ষা শেষ হবার পর। এক দ্বিতীয় নম্বর, আমাদের মুম্বাইতে জেকেডি ইন্টারন্যাশনাল গেম করেছে, 5টা ইন্টারন্যাশনাল থেকে দেশ আসছে, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, ইন্ডিয়া, এই 5টা রাজ্য থেকে কান্ট্রি থেকে আসছে। বম্বেতে 17 তারিখে 17, 18, 19 মুম্বাইতে গেম আমাদের সময়, এবং এতে বলিউডে আক্ষয় কুমারকে আনা হচ্ছে। কেন? যে যেখানে গেমটা করাচ্ছে সে হচ্ছে উসকা ক্যা নাম হ্যায় উসকা জো আমলোকা ইয়ে কাতা ও জো টাইগার শ্রফ, হ্যাঁ টাইগার শ্রফ, টাইগার শ্রফকে উনি ওনার মাধ্যমে ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে। অর্থাৎ ওইখানে বিরাট বড় পার্টিসিপেটমেন্ট হবে। তোমরা সবাই যাওয়ার জন্য রেডি আছো? আমাদের 14 তারিখে ট্রেন ধরতে হবে, 13 তারিখে সরি 14-15 মধ্যে আমাকে মুম্বাই ঢুকতে হবে, 16 তারিখে সকালবেলা রিপোর্টিং আছে, 17, 18, 19 খেলা, 20 তারিখে আমরা আবার ট্রেন ধরবো ব্যাক টু ঝাড়গ্রাম। আমরা ঝাড়গ্রামে গিয়ে একদিন রেস্ট নিয়ে সবাই আমার টিকিট যে যে যাবে আমাকে বলবে, তাদের টিকিটগুলো আমি করে নেবো। কেন গীতাঞ্জলিতে টিকিট পাওয়া খুব মুশকিল, এই প্রথম জেকেডি ট্রেন মুম্বাইতে পড়লো,
এবং বলিউডের ফিল্ম স্টারদের সামনে থেকে সেলিব্রেটেড করা হবে। অর্থাৎ গেমটা ইন্টারন্যাশনাল পাবে, ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেটটা বিরাট মূল্যবান হবে। অর্থাৎ যদি তৈরি থাকো, কারো যদি পরীক্ষা যদি না থাকে তোমরা প্রিপারেশন নিতে পারো। ঠিক আছে, আজকের মতন বেল রেডিয়েশন এখানেই শেষ করলাম। Thank you. Bye. Oh.